मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न स्वर्गीय श्री राजीव गांधी की शहादत दिवस पर श्रीमती सोनिया गांधी और श्री राहुल गांधी की विशेष उपस्थिति में अपने मंत्रिमंडल के सहयोगियों के साथ छत्तीसगढ़ के किसानों के लिए राजीव गांधी किसान न्याय योजना का शुभारंभ किया। श्रीमती सोनिया गांधी और श्री राहुल गांधी नई दिल्ली से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से शामिल हुए। उन्होंने किसानों के हित में प्रारंभ की गई छत्तीसगढ़ सरकार की इस अभिनव योजना के लिए मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल और उनके मंत्रिमंडल के सहयोगियों की सराहना की। छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा प्रारंभ की गई राजीव गांधी किसान न्याय योजना देश में अपनी तरह की पहली योजना है, जिसके जरिए कोरोना संकट के दौर में किसानों को सीधे लाभ पहुंचाया जा सकता है। इस योजना के तहत 5,700 करोड़ रुपए की राशि 4 किश्तों में डीबीटी के माध्यम से किसानों के खातों में अंतरित की जाएगी, जिसकी पहली किश्त 1,500 करोड़ रुपए की राशि आज शुभारंभ के अवसर पर डीबीटी के माध्यम से किसानों के खाते में भेजी गई। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि सोनिया जी और राहुल जी के मार्गदर्शन में छत्तीसगढ़ देश के प्रथम राज्यों में है, जो कि स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट के पालन करने में दृढ़ संकल्पित है। उन्होंने कहा कि राजीव गांधी जी की पुण्यतिथि के दिन इस महती योजना का शुभारंभ कर हम उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। आगामी वर्षों में भी 21 मई को ही राजीव गांधी किसान न्याय योजना के अंतर्गत किसानों को प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। प्रदेश में राजीव गांधी किसान न्याय योजना के शुभारंभ के दौरान मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से विभिन्न जिलों के लोगों से प्रतिक्रिया ली। इसी क्रम में उन्होंने धमतरी जिले के ग्रामीणों से बातचीत की। विशेष तौर पर राजीव ग्राम दुगली और गौरव ग्राम कंडेल का जिक्र करते हुए मौजूदा सरकार के द्वारा किए गए कार्यों के बारे में पूछा। ग्राम कौहाबारा दुगली के जय मां लक्ष्मी महिला स्वसहायता समूह की महिलाओं ने मुख्यमंत्री से सीधी बातचीत कर संक्षेप में जिले की उपलब्धियों, गतिविधियों और विकास के बारे में बताया। उन्होंने बताया कि श्री राजीव गांधी की दुगली यात्रा को ग्रामीण आज भी याद कर गौरवान्वित महसूस करते हैं। राजीव ग्राम दुगली और ग्राम कंडेल सहित जिले में बह रही है विकास की अविरल धारा। मौजूदा सरकार के आने के बाद राजीव ग्राम दुगली में विकास अब परिलक्षित हुआ है। पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय श्री राजीव गांधी की पुण्यतिथि 21 मई को आज आतंकवाद विरोधी दिवस के रूप में मनाया गया। इस अवसर पर राज्य शासन के अधिकारी और कर्मचारियों ने शपथ ली। शपथ के दौरान सभी शासकीय कार्यालयों में अधिकारी और कर्मचारियों द्वारा सोशल और फिजिकल डिस्टेंस का पालन किया गया। मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल की पहल पर अन्य राज्यों में फंसे छत्तीसगढ़ के श्रमिकों और अन्य लोगों को लाने का सिलसिला जारी है। इसी क्रम में रायपुरा से चली श्रमिक स्पेशल ट्रेन से रायपुर स्टेशन पर 500, पूना से 84, अमृतसर से 5 और देर रात दिल्ली से 72 श्रमिक उतरे। इस तरह कुल 661 श्रमिक आज रायपुर स्टेशन पर उतरे। साथ ही मेडिकल टीम द्वारा इन सभी श्रमिकों की थर्मल स्क्रीनिंग और चिकित्सा परीक्षण के बाद इन्हें विशेष बसों से इनके जिलों के क्वारंटाइन सेंटर भेजा गया। छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश राज्य को जोड़ने वाली महत्वपूर्ण सड़क पंडरिया बजाग मार्ग का निर्माण कार्य तेजी के साथ शुरू हो गया है। कबीरधाम जिले के पंडरिया से मध्य प्रदेश के डिंडौरी जिले के बजाग वन ग्राम तक कुल 35 किलोमीटर तक 2-लेन सड़क का निर्माण किया जा रहा है। इस महत्वपूर्ण सड़क निर्माण कार्य के लिए 188 करोड़ रुपए की राशि की स्वीकृति मिली है। इस निर्माण कार्य के शुरू होने से स्थानीय लोगों को काम के साथ बड़ी राहत मिली है। कोरोना संकट में जरूरतमंदों की सहायता के लिए समाज के हर वर्ग द्वारा मुख्यमंत्री सहायता कोष में स्वस्फूर्त होकर मुक्त हस्त सहयोग किया जा रहा है। इसी क्रम में छत्तीसगढ़ इंफोटेक प्रमोशन सोसाइटी चिप्स के कर्मचारियों द्वारा कोरोना संक्रमण से सुरक्षा और जरूरतमंद लोगों की मदद के लिए मुख्यमंत्री सहायता कोष में 85,249 रुपए की सहयोग राशि प्रदान की गई। मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने इस सहायता के लिए चिप्स के समस्त कर्मचारियों का आभार व्यक्त किया है। छत्तीसगढ़ शासन स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग द्वारा जारी बुलेटिन के अनुसार आज 21 मई को छत्तीसगढ़ में कोविड-19 की स्थिति। छत्तीसगढ़ में अब तक कुल 126 केस पाए गए हैं, जिनमें से 59 ठीक हो चुके हैं और 67 कोरोना पॉजिटिव हैं। देश जीतेगा, कोरोना हारेगा।